पटना एयरपोर्ट पर पार्किंग ठेकेदार द्वारा ओला ड्राइवर के साथ दबंगई करने का मामला सामने आया है। आज मंगलवार को कई ओला चालकों ने राजद विधायक तेज प्रताप यादव के आवास पर जाकर इसकी शिकायत उनसे की है। ओला चालकों का कहना है कि पटना एयरपोर्ट पर ओला चालकों के साथ ठेकेदारों द्वारा मारपीट किया जाता है और वे लोग नहीं चाहते हैं कि ओला की सर्विस पटना एयरपोर्ट से यात्रियों को मिले। जब मारपीट की शिकायत एयरपोर्ट थाने में की गई तो उन्होंने FIR दर्ज तो किया, लेकिन अब तक आरोपी के खिलाफ किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है। बताया जा रहा है कि ठेकेदार रसूखदार हैं और अपने रसूख की वजह से ही पटना एयरपोर्ट पर अपनी दबंगई दिखाते रहते हैं। उधर पूरे मामले के जानकार राजद विधायक तेज प्रताप यादव ने ओला चालकों को हर संभव मदद पहुंचाने की बात कही है। तुम ही को मारा था जी? जी कहाँ मारा था तुमको? हम पार्किंग बाहर में चलान काटा जा रहा है, जिस चलते गाड़ी अंदर लगा रहे थे तो प्राइवेट वाले आके कहते हैं ना कि क्यों यहाँ लगा रहे हो, यहाँ लगाना मना है। राज यादव हमारा नाम हुआ, वो लोग कह रहे हैं कि यहाँ आप लोग नहीं लगा सकते। हम बोले कि हम दिन भर का पार्किंग जो चार्जिंग होती है चार्ज दे के लगा रहे हैं। चार्ज लगाना बुकिंग अपना उठाते हैं, ओला से आते हैं, हम लोग प्राइवेट बुकिंग नहीं उठाते हैं। मगर वो बोले कि नहीं नहीं हटाओ, गाड़ी ग्लॉच करने लगे, मेरे साथ हाथ छोड़ने लगे, बोले कि भाई हटाओ। हम बोले कि अरे दिन भर मैं पार्किंग चार्ज दे रहा हूँ, पार्किंग का है तो इसमें हटाने की क्या बात है। मगर वो सुने नहीं, वो लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं और उसके बाद मेरे ही गाड़ी का चाबी निकाल कर मेरे पर वार कर दिया और रोकने के क्रम में मेरे हाथ दो मरते घायल हुआ। मैं गाड़ी बाहर लेकर आया, CCTV कैमरा में सारा रिकॉर्ड हुआ है घटना वहाँ पर स्थल पर कि क्या क्या मैटर हुआ। मैं थाना में गया, केस हुआ, दर्ज हुआ, 4-5 दिन केस का हो गया। हमारा आज तक कोई कार्रवाई नहीं, सब घूम रहे हैं, गाड़ी आज थाना में लेगी। अभी कहाँ है जी? अभी किस कहाँ पे आए हैं? अभी हम लोग आए थे तेज प्रताप यादव के घर पे आए थे, उनसे अपने ये मांग करने के लिए कि ये सर कोई कार्रवाई किया नहीं जा रहा है और हम लोग जाते हैं तो हम ही लोग पर मतलब उल्टा कार्रवाई करते हैं और भगा दिया जा रहा है। क्या कहा गया आपको? वो बोले कि आप लोग यूनियन गिरी कर रहे हैं, आप यूनियन गिरी करवा रहे हैं। नहीं नहीं, तेज प्रताप से आपने मिला तो क्या बोला उन्होंने? उन्होंने कहा कि आप आश्वासन दिया। हाँ आश्वासन दिया, उन्होंने कहा कि कार्रवाई किया जाएगा, आप आवेदन दीजिए और जो आपके साथ घटना हुआ है उसका आवेदन जो भी है लाके जमा कीजिए, हम लोग देख लेंगे। क्या नाम हुआ? हमारा नाम राज यादव है। ओला चलाते हैं? जी जी, हम लोग टैक्सी ओला सब चलाते हैं सर। नहीं दिया जा रहा पार्किंग में गाड़ी और लोग भगाया जा रहा है, लोगों का भाड़ा तपाई किया जा रहा है। तो कोरोना काल में आकर ये जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? कोरोना काल चल रहा है, इनके पीछे कई एक परिवार है, इनके बच्चे हैं, परिवार होंगे। तो ऐसा कोरोना काल में अगर मान लीजिए सबको हटा देते हैं, किसी के पेट से लात मारना, ऐसे ही लॉकडाउन की स्थिति बन गई है, कोई आदमी घर से बाहर निकलने का, और ऐसे सिचुएशन में सरकार को इनको पूरी तरीके से मदद करना चाहिए। इनका कहना है कि प्राइवेट टैक्सी वाले दबंगई करते हैं, पुलिस उनका साथ देती, यहाँ पर भी जो है एक तरह से कहा जाए तो गलत चीज़ें की जा रही, मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है।